व्हाट्स अप गाइस, सचिन चौहान है। आज मैं आप लोगों के लिए लोअर बैक स्ट्रेच लेकर आया हूँ। ये सिंगल स्ट्रेच काफ़ी इफेक्टिव है, ये स्टैंडिंग स्ट्रेच होने वाला है, तो इसको आप अपनी वर्कआउट रूटीन में ऐड कर सकते हैं। और आपको अगर फॉरवर्ड फोल्ड में प्रॉब्लम होती है तो ये डेफिनेटली आपकी हेल्प करेगा। गाइस, अगर आपको किसी भी तरह की बैक इंजरी है या फिर लोअर बैक में पेन होता है तो इसको अवॉइड करो। लोअर बैक में स्टिफनेस होती है या फिर फॉरवर्ड झुकने में प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली ये एक्सरसाइज आपके लिए हेल्पफुल होगी। सो बिना टाइम वेस्ट करते हो एक्सरसाइज को देखते हैं। इसे करने के लिए आप दोनों पैरों को अच्छे से पकड़ लेंगे, जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं। एक हाथ से दूसरे हाथ को अच्छे से पकड़ लेना है। ध्यान देने वाली बात इस एक्सरसाइज में ये होगी कि आपकी छाती और पेट पूरे टाइम आपके पैरों से जुड़ा होगा। अपने दोनों पैरों को जोड़कर रखना है। अच्छे से पकड़ लेने के बाद अपने क्वाड्स को एक्टिवेट करना है और कंप्रेशन स्ट्रेंथ यूज़ करते हुए घुटनों को सीधा करने की कोशिश करनी है। ऐसा करने पर आपको लोअर बैक में काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्ट्रेच आएगा और क्वाड्स में जलन महसूस होगी। इसे रिपीट करना है। सांस छोड़ते समय पैरों को सीधा करने की कोशिश करनी है। ऐसा 10 बार करेंगे। उसके बाद एक एक पैर को पकड़कर यही सेम चीज़ करनी है। ऐसा होता है कि हमारे एक साइड दूसरी साइड से कम फ्लेक्सिबल होती है, तो ये ज़रूरी है कि हम इसे दोनों पैरों पर अलग से भी करें। शुरू में घुटना सीधा करते समय ऐसा लगेगा कि पैर हिल ही नहीं रहे हैं, और वो नॉर्मल बात है। धीरे धीरे ये मूवमेंट की रेंज बढ़ेगी और आखिरी स्टेज वो होगा जब आप पूरी तरह नींद सीधी कर पाओगे और आपकी छाती और आपके पेट लेग से टच रहेंगे। दूसरा तरीका इस एक्सरसाइज को करने का ये है कि आप अपने पैरों को इसी तरह पकड़ लें और फिर यहाँ आपको रिलैक्स करना है। लंबी गहरी सांसें लेनी है और हर बार सांस छोड़ने के साथ साथ घुटनों को सीधा करने की कोशिश करनी है। ऐसा सेम दोनों पैरों पर अलग से भी करना है। 10 से 15 गहरी सांसें लेता हूं मैं। आप 10 से शुरू कर सकते हैं। पाद हस्तासन या पश्चिमोत्तानासन अगर और अच्छा करना है तो आपकी लोअर बैक फ्लेक्सिबिलिटी भी होनी चाहिए। हैमस्ट्रिंग स्ट्रेचिंग के साथ साथ ये भी करो, काफ़ी ज़्यादा फायदा देखने के लिए मिलेगा आपको आपकी फ्लेक्सिबिलिटी में। तो गाइस, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर पसंद आई हो देन प्लीज़ लाइक करें इस वीडियो को, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, सब्सक्राइब करें अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल पे। थैंक यू गाइस मेरी वीडियो देखने के लिए। अगली वीडियो में मिलते हैं। बाय।